हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग कपिल रक्षा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह आपने देख लिया है, रक्षा किचन के अंदर है और अब बनाएगी ये सूजी के चीले। तो इसको सूजी निकाल के दे देते हैं, दोनों बनाएंगे खाना कपिल। तो जैसे कि आज ट्यूसडे है तो मेरा ऑफ है, तो ये हर ट्यूसडे को खुद ही नाश्ता बनाते हैं, बट मैं इनकी हेल्प कराने के लिए आ चुकी हूँ। तो मैं इनकी हेल्प कराने के लिए आ चुकी हूँ, बट ट्यूसडे इनका होता है नाश्ता बनाने का। पिछली बार भी मैंने बना दिया था सबको, बट आज ही बनाएंगे सूजी के चीले। तो सूजी निकालते हैं और रक्षा को देते हैं और मिल बांट के करते हैं काम थोड़ा। चलो सूजी निकाले, ये सूजी दे दिए। सो गाइस, शुरू हो चुका है चीले की प्रिपरेशन। तो हमने पहले भी आप लोगों को दिखा चुके हैं चीले बनाते हुए, और यहाँ कड़ी लीव्स ले लिए रक्षा ने, देखिए। और चीले नहीं, डोसे बनेंगे। आप ना दिमाग ना खराब करो मेरा। हाँ, और सुबह सुबह शुरू हो गया मुझे डायलॉग सुनाने के लिए। डायलॉग तो सुना रही कभी, पहले अपने मुताबिक ही चीज़ बनवाता। शादी के बाद मैं चाय बनाता था कि ओहो आप तो बहुत अच्छी चाय बनाते हो, और अब मैं चाय बनाता हूँ सबसे घटिया चाय, आपसे घटिया चाय कोई बनाता ही नहीं है, सबसे घटिया चाय आप बनाते हो। शादी के 7 साल बाद, शादी आफ्टर 7 इयर्स यही होता है, सबके साथ यही होने वाला है। यहाँ बननी चाहिए 2 कप चाय, 4 कप चाय बना देते हैं उसको भर के, ना तो उसमें दूध का स्वाद, ना इलायची का स्वाद, ना किसी चीज का। इतनी सारी चाय बना के रख देंगे, पूरा मग भर भर के ले आएंगे मेरे सामने। अब मैं चाय कम पीना पसंद करती हूँ, अच्छी पीना पसंद करती हूँ। चीले गाइस बन रहे हैं, और चीले बन रहे हैं तो कड़ी लीव्स कहाँ से आ गई, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। उसके अंदर कड़ी लीव्स आ गई, उसके अंदर ये क्या कहते हैं, कौन सी सीड्स बोलते हैं इसको, छोटी वाली गोल वाली, ब्लैक सीड्स हिंदी में क्या बोलते हैं, सरसों दाना आ गया उसके चीले के अंदर आ गया भैया। आपको पता है हेल्थ के लिए कितने अच्छे होते हैं ये करी पत्ता, करी लीव्स कितने अच्छे होती है। तो गाइस जैसे कि ये हेल्थ के लिए इतने अच्छे होते हैं करी लीव्स, और ये आप इसको हर चीज में मिला के खा सकते हो, रोटी में भी मिला सकते हो इसको। आप जब आटा गूंद रहे हो ना, तो उसके अंदर ये सरसों दाना और करी लीव्स ऐड कर लेना, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। हम सब चीजों में मिला सकते हैं इसको। अभी लर्निंग लाइसेंस मिला होता है ना, जैसे ऐसा होता है और फिर धीरे धीरे पक्का लाइसेंस बन जाता है। पहला लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस, तो बैटर डल चुका है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। फिर भी क्या लगता है आपको, कामयाब हो जाएगा? देखो भाई, भगवान का नाम ले रहे हैं हम तो, कामयाब हो जाए। तो गाइस फाइनली चीला नीचे से तो हो चुका है प्रिपेयर। ओहो
ये तो शुरू में ही हमें पक्का लाइसेंस मिल गया। ये मेरा चीला खराब नहीं हुआ। तो गाइस यहाँ पर बन रही है चाय, ये चाय बन रही है दो जनों की और अच्छाई से कह रही थी चार जनों की। यहाँ का आयरा भी आ गया है हमारे साथ। यहाँ पर हमारा चीला तैयार होके आ चुका है, देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। तो यहाँ बाकी के चीले अब तैयार होंगे। तो गाइस चीले चीला बनाते हुए तो हमने पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है, तो अब हम चलते हैं। तो गाइस मैं तो आ गया था किचन से, क्योंकि रक्षा ने मुझे भेज दिया किचन से वापस, बोली कि आप जाओ गर्मी के अंदर क्यों खड़े हुए हो। सच्ची में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है किचन के अंदर, हैंड्स ऑफ है सभी लेडीज़ के लिए, तो इतना टाइम देती है अपने किचन में सुबह से लेकर शाम तक। मुझसे तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जा रहा था, उसने मुझे बोल दिया कि आप जाओ मैं बना लूँगी। वैसे वो मजाक वजाक करती है मुझसे कि साथ दो बनाओ मिलकर, मजाक कर देती है। वहाँ चल रहा है रक्षा जी का चीला बनाने का प्रोसेस और यहाँ कायरा और मैं बैठे। तो जैसे चीले आते हैं तो दिखाते हैं आपको। कायरा इधर देख, फ्रेंड्स को बोलो हाय। बेटा पापा हूँ पापा। तो गाइस हमारे ब्लॉग में बने रहना, मिलते हैं आपसे चीलों के साथ। कायरा कैसी आवाज आ रही है? किसकी? डायनासोर की। चलो पकड़ो। हेलो गाइस कैसे हो? और यहाँ पे पापा खड़े हैं और यहाँ पे पापा और यहाँ मैं कायर खड़ी हूँ और यहाँ पे पापा जैसे नहीं किया। अधिका मम्मा आ रही है, अधिका मम्मा आ रही है। और यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे मम्मा आ रही है और यहाँ पे मम्मा सोच चाहिए, सोच चाहिए और चाय भी चाहिए और सोच भी चाहिए और सैंडविच भी चाहिए। सैंडविच ये मम्मा चीला लाई चीला बोलते। तो गाइस रक्षा ले आई है ब्रेकफास्ट रेडी करके, यहाँ चाय है और यहाँ चीले हैं जैसे कि आपको बताया ही था। तो कोई आया है, डोर बेल बज रही है, देखते हैं। अंकल जी तो नहीं आ गए हैं। हेलो गाइस कैसे हो आप? अच्छे हैं? तो यहाँ पे मम्मा, यहाँ पे मम्मा, यहाँ पे खाना खाए पापा के। तो गाइस जैसे कि मैंने चीला बनाया था पर कपिल जी को पसंद आ गया। हेलो गाइस कैसे हो? तो गाइस मैंने जैसे कि चीला बनाया था और कपिल जी को पसंद आ गया, तो मेरी मेहनत वही असल हो गई क्योंकि मैंने थोड़ी यार डिफरेंट तरीके से बनाया था। करी लीव्स और राई दाना ब्लैक सीड्स डाल के चॉक लगा के पहले इसको, फिर मैंने बाद में ये बनाए हैं, तो इनको पसंद आ गए। मेरी मेहनत असल हो गई। तो गाइस यहाँ चल रहा है गिरीश भट्ट का ब्लॉग। अगर आप गिरीश भट्ट का ब्लॉग देखते हो तो
पता चल जाएगा कि उसके फादर अभी वहाँ से चले गए अपने घर से, उनकी प्रमोशन कहीं और हो गया है। उसकी मदर थोड़ी सी सैड फील कर रही है और यहाँ पर अच्छा इनका ब्लॉग देखकर सैड हो गई है। तो गाइस ये एक रूप है औरत का जो अपने हस्बैंड से इतना ज़्यादा प्यार करती है, और एक रूप होता है ज्योति मौर्या का, और आपने देखा ही है ज्योति मौर्या का जो आजकल चल रही है, तो सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, तो औरत के बहुत सारे रूप होते हैं, तो एक ही पैमाने में कभी मत नापिए औरत को। ये देखिए ये माँ का रूप है, खाले में मारूंगी देख ले, पिटाई हो जाएगी बाबू खा लो। तो सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि औरत के बहुत सारे रूप होते हैं, तो एक रूप है आप देखिए स्टोरी श्री जना सुबेदी की, तो वो टिकटॉकर है, टिकटॉक बनाती है वो, और वो नेपाल से है। अगर आप उनकी स्टोरी देखोगे तो असली औरत का रूप आपको वहाँ पर नजर आएगा। नाम है श्री जना सुबेदी, आप डालोगे यूट्यूब पर तो आपको पता चल जाएगा उसकी स्टोरी का। उनकी उसके हस्बैंड से उसकी जब शादी हुई थी तो उसकी लव मैरिज हुई थी, मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ उसके बारे में। तो उनकी लव मैरिज हुई थी और वो टिकटॉक पे फेमस हो गई थी श्री जना सुबेदी। तो थोड़े टाइम बाद मतलब वो शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो पीएचडी कर रहे थे दोनों, और वो शिफ्ट हो गए न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में उसके हस्बैंड के सर में थोड़ा सा दर्द हुआ, और उन्होंने फिर थोड़े दिन बाद फिर दोबारा से हुआ उनके सर में दर्द, उन्होंने चेकअप करवाया था, वो चेकअप के अंदर उसके हस्बैंड का ब्रेन कैंसर आया फर्स्ट स्टेज। तो आप उसकी स्टोरी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, श्री जना सुबेदी डालोगे आप। तो उसने फर्स्ट स्टेज पे अपने हस्बैंड का कहीं भी किसी भी स्टेज पर साथ नहीं छोड़ा, और सब कुछ आपको यूट्यूब पे पता चल जाएगा, ये आप देखोगे तो। ये औरत का ज्योति मौर्या से आप कंपेयर करोगे, कभी भी कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता उसका, उस औरत का। उसने इतना साथ दिया अपने हस्बैंड का, इतना साथ दिया है। तो औरत के बहुत सारे रूप होते हैं, एक माँ का होता है, एक वाइफ का होता है, एक वाइफ का होता है, और एक बहन का होता है, और बहुत अच्छे रूप होते हैं। और ये नहीं है कि अगर एक औरत ने गलत कर दिया तो सारी औरत गलत हो गई, काफ़ी सारे जैसे ज्योति मौर्या का ऑप्शन वो आया था, तो काफ़ी लोगों ने अपने पढ़ाने से ही लेडीज मतलब लड़कियों को मना कर दिया कि भाई हम अपनी वाइफ को आगे नहीं एजुकेशन देंगे, उसने ऐसा कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड के भी बहुत सारे रूप होते हैं ऐसे, तो हस्बैंड कहीं किसी और के साथ गलत कर रहा है, बाहर जाके गलत कर रहा है, तो हस्बैंड तो कभी गलत नहीं होता, औरत हमेशा गलत हो जाती है। तो प्लीज़ मेरे ये मैसेज मैं सभी हस्बैंड्स को पहुँचाना चाहता था, प्लीज़ श्री जना सुबेदी की स्टोरी देखिए यूट्यूब पे जाकर, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। तो गाइस देखते हैं कायरा किसके पास आएगी। ऊपर दूसरे में डालो, आगे ले आओ, इधर डालो, हाँ डालो डालो, हाँ डालो डालो, ऊपर डालो, राइस ही आ गया है, राइस विद कर्ड। तो ये हमारा
लंच टाइम चल रहा है तो लंच में हम खा रहे हैं। हम तो गाइस देख लीजिए कायरा कहाँ बैठी हुई है। तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए नीचे। तो नीचे मम्मी से थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ी देर मम्मी के पास और फिर देखते हैं कैसे भी रहता है अपना। शायद मम्मी ने कुछ सामान वगैरह मंगाना है तो देखते हैं। तो यहाँ रक्षा भी रेडी है, कहरा भी रेडी है। तो आप जैसे देख ही रहे हैं कि कपड़े वपड़े पड़े हुए हैं तो बाहर हो रही है थोड़ा सा मौसम ख़राब। तो रक्षा ने सारा आज कपड़े धोए थे तो धूप बारिश आ गई एकदम से, उसने सारे कपड़े उठाकर रख दिए रूम के अंदर। तो चलते हैं नीचे। सो गाइस हम आ गए थे नीचे और मम्मी के पास थोड़ी देर बैठे थे और फिर मम्मी थोड़ा सामान मंगाना था मम्मी ने जैसे कि, तो पैसे निकाल के दे दी थी हमें। सो गाइस हम आ गए थे कृष्णा स्टोर और यहाँ मेरे साथ है रक्षा। तो मम्मी का कुछ सामान लेने आना था तो लेने आए हैं वही। यहाँ सब कुछ मिल जाता है, सारी वैरायटीज़ मिल जाती है, जो भी आपको घर का सामान कोई भी ग्रोसरी में लेना है तो आप यहाँ से आकर परचेज कर सकते हो बहुत अच्छे रेट्स पे। तो गाइस सामान वामान ले लिया है हमने और हम चल रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। और यहाँ रक्षा जी हमारे साथ, चलो। तो फ्रेंड्स हम आ गए थे अपने घर पर और रक्षा जी थोड़ी सी नाराज़ हो गई है मुझसे क्योंकि उनको आते ही थोड़ा सा घर का काम करना था। पूरा दिन भी मरो, रात को भी मरो, यहाँ के काम छुट्टी वाले दिन भी चैन नहीं है। मेरी लेने देना, वीडियो कॉल बता दे रही हूँ, मेरी लेने देना, मैं आ रही हूँ। तो गाइस देख लीजिए एक लड़की कितनी मेहनत करती है, घर के काम भी करती है, बाहर के भी काम होते हैं इन लोगों को। और रक्षा जी हम लोगों के लिए यही है खाना बनाकर जो फास्ट उससे बन सकता था। और यहाँ कायरा मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है। सो गाइस खाना वाना हमारा हो गया है और ये ब्लॉग हमारा यहीं तक था। तो आज जैसे कि मेरा ऑफ था तो ये छुट्टी वाला ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा, पूरे दिन का जो भी हमारा डे जैसा भी रहा मैंने आपको पूरा दिखा दिया हमारा जैसे भी व्यतीत हुआ। और अभी रक्षा का तो चल ही रहा है खाना, मुझसे पहले शुरू हो ही थी है और अभी तक इसका चल रहा है। मैं आराम से खा दूँगा ना खाना, मैं जल्दी जल्दी नहीं खाती। तो गाइस रक्षा जी मान चुकी है, अभी आपको थोड़ा सा मुस्कुरा के दिखाएगी, देखिए। तो चलते हैं, हम मिलते हैं आपसे कल दोबारा से नए ब्लॉग के साथ। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक्स देते रहिए। प्लीज़ रिस्पेक्ट ऑल मोमेंट्स, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.